हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आप लोगों का। तो आज हम आए हैं एक न्यू वीडियो के साथ, जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेस्ट माइक्रो निचेस फॉर ब्लॉगिंग। ये है हमारी वीडियो का पार्ट 5। इसमें मैं बात करूंगा आप लोगों को कुछ टेक निचेस के बारे में और कुछ चंद एक दूसरी निचेस के बारे में बताऊंगा। हमने बाकी अपने पार्ट्स में बकाया निचेस को हमने फाइंड कर लिया, मैंने आपको उसमें डिटेल में बताया। तो इसमें हम कुछ टेक के ऊपर बात करेंगे और कुछ सॉफ्टवेयर्स के ऊपर बात करेंगे। तो इसकी निचेस मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही इंटरनेशनल निचेस होंगी, 2023 की बेस्ट निचेस होंगी। और आपको वीडियो के लास्ट में एक प्रो टिप भी दूंगा, वो टिप वही बंदा गेन कर सकेगा जो कि हमारे साथ इस वीडियो में बना रहेगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जो निच है, वो हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहली निच है हमारे पास ड्रोन। इसमें हमने क्या बात करना है, ड्रोन के रिव्यूज के बारे में बात करनी है। अपकमिंग ड्रोन्स कौन कौन से आ रहे हैं, कौन कौन से आपके पास फ्यूचर में अवेलेबल हैं, उनके बारे में बात करनी है। आपने ड्रोन्स का कंपैरिजन करना है, फिर आपने बताना है बेस्ट ड्रोन फॉर के अभी फ्यूचर में हमारे पास कौन सा ड्रोन सबसे बेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो इसकी आपको कंपिटिटर वेबसाइट भी दिखा देते हैं हम। मैं इस वेबसाइट को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक वेबसाइट है ड्रोन के हिसाब से। इसने ड्रोन के अलावा और भी चीजों को कवर किया हुआ है, कैमराज, लेंस के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में, ड्रोन्स के बारे में, लैपटॉप, फोन, रिव्यूज। तो ये वेबसाइट काफी बड़ी है। आपने इसमें से जस्ट ड्रोन के हिसाब से अपनी निच के मुताबिक उन चीजों को फाइंड कर लेना है और उस तरह के आर्टिकल्स को आपने अपनी मर्जी के मुताबिक देख लेना है। तो गूगल के ऊपर मैं आपको इसकी ट्रैफिक भी दिखा देता हूँ। इसकी ट्रैफिक है यूरोप कंट्रीज में तकरीबन 6000 ट्रैफिक है, जो कि आप 1000 प्लस डॉलर की ही बात करो तो ये पर्सन 6000 प्लस अर्निंग जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास ये ड्रोन ओपन होते हैं, मैं उसके बाद आपको कीवर्ड, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी भी हम देख लेते हैं, ड्रोन की कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है। क्योंकि ये आपके पास ड्रोन के हमने ब्लॉग्स ओपन कर लिए हैं, ये हमारे पास ड्रोन के ब्लॉग ओपन हो गए हैं। तो ये आप इस ड्रोन के ब्लॉग को, इसमें बहुत ही कम ब्लॉग्स होंगे, ड्रोन के ऊपर बहुत ही कम काम हुआ है। ये देखें आपके पास कुछ चंद एक उसने आर्टिकल लिखे हुए हैं और नीचे नंबरिंग है। तकरीबन आई थिंक इसमें 50 आर्टिकल्स हैं। आप 50 आर्टिकल्स को पढ़ के थोड़ा सा आइडिया इसमें ले सकते हैं। तो इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी देख लेते हैं ड्रोन की। ड्रोन की कीवर्ड डिफिकल्टी कुछ कुछ केडी इसकी क्या है, मुश्किल है, डिफिकल्ट है। आप क्या कर सकते हैं, थोड़े से लॉन्ग कीवर्ड यूज करके आप इसमें ट्रैफिक देखें भर भर के है, और एफिलिएट लिंक भी इसमें आप अटैच करके इस निच के ऊपर काम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी सेकेंड निच। सेकेंड निच पे आ जाते हैं, हमारी सेकेंड निच है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो के अभी फ्यूचर में इसके ऊपर ही काम होगा और आई थिंक इसके ऊपर काम हो भी रहा है, और ये बहुत ज्यादा यूनिक और बहुत ज्यादा वायरल होने वाली नीच है। इसमें आपने क्या बात करनी है, इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में बात करना है, स्कूटर के ऊपर बात करनी है, बाइक एंड मैनी मोर, अपकमिंग रिव्यूज, कंपेरिजन, चार्जिंग पॉइंट इन्फॉर्मेशन, मेन चीज चार्जिंग पॉइंट इन्फॉर्मेशन होगी इसकी। हाउ टू बाय, वेयर टू बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आपको पता है कि आजकल थोड़े से मुश्किल मिलते हैं, कहाँ से लेने हैं, कैसे लेना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखनी है। तो मैं आपको यूएस कंट्रीज की एक वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूं, यहां पर उसकी हम ट्रैफिक देख लेते हैं, और उसके बाद मैं उसकी आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूं कि उसकी वेबसाइट कुछ किस किस्म की है, और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीवर्ड डिफिकल्टी भी देख लेते हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी हम देख लेते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, यहां पर आप इसकी ट्रैफिक देख सकते हैं, 1 लाख प्लस ट्रैफिक है, तो समझ लो 1 लाख डॉलर भी इसका जनरेट हो रहा है, जो कि पाकिस्तानी भी बहुत ज्यादा बनेगा, इंडियन भी बहुत ज्यादा बनेगा, हमारी सोच से भी ऊपर बनेगा। तो इसके ऊपर आजकल बहुत ज्यादा काम हो रहा है, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये देखें, ये जैसे ये वेबसाइट ओपन हो जाती है तो हम इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीवर्ड डिफिकल्टी देख लेते हैं कि इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है। ठीक है, आप यहाँ पर कीवर्ड डिफिकल्टी इसकी देख सकते हैं। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी वॉल्यूम कम है और बाकियों के ऊपर काम ही नहीं हुआ पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर वेबसाइट देखें, ये वेबसाइट सेल परचेज वाली वेबसाइट है। आपने इसकी इंफॉर्मेशन देनी है, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन बहुत ही कम पड़ी है, क्योंकि अभी तक लोगों ने इसको यूज नहीं किया, इसके बारे में रिव्यूज बहुत कम है। आप रिव्यूज की वेबसाइट बना सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिव्यूज इंटरनेट पर आपको बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि अभी तक लोगों ने बहुत ज्यादा इसको यूज नहीं किया। आप उसके रिव्यूज, इसकी
बैटरीज की पावर के बारे में बता सकते हैं कि इसकी बैटरी कितने देर तक चलती है, कितने किलोमीटर चलती है, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट नीच, जो कि है सेलिब्रिटी नेटवर्थ। आपको पता है कि सेलिब्रिटी को हर कोई सर्च करता है। आपने क्या बताना है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नेटवर्थ के, उसके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर हैं, टिकटॉक पे कितने फॉलोअर हैं, उसकी नेटवर्क कितनी है, यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर उसके कितने हैं, और वो कितने चार्ज करता है, और उसकी अर्निंग कितनी है, उसने अभी तक कितने काम, कितने चीज़ों पे काम किया। ये थोड़ा सा आ जाता है कॉपी पेस्ट वर्क। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सेलिब्रिटी की नेटवर्थ तकरीबन तकरीबन हर जगह पे आपको सेम ही मिलेगी, तो आपने भी वही चीज़ डालनी है। लेकिन आपने यहाँ पर, मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ, इस वेबसाइट को देख के आपने इसी तरह ही हल्का सा आइडिया लेना है। और यहाँ पर मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी सबसे पहले कीवर्ड डिफिकल्टी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि हमने इसके ऊपर कैसे काम करना है। यहाँ पर हमारे पास आ गई है, ये आपकी जो वेबसाइट है ना, ये तकरीबन 3000 व्यूज ले रही है, किसमें, यूरोप कंट्रीज में, आपके पास यूरोप कंट्रीज में। और ये वेबसाइट ओपन हो गई है, इसमें देखें आपके पास एड भी लगे हुए हैं, ये सेलिब्रिटी की नेटवर्थ बता रहा है। आपने ये देखिए, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, एक आर्टिकल मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि उस आर्टिकल में क्या काम होता है। इसकी नेटवर्थ ये देखें, ये इसका आर्टिकल ओपन हो गया, नेटवर्थ बता रहा है। आपने उसकी एज बतानी है, उसका जेंडर बता देना है, टेबल ऑफ कंटेंट वो बता रहा है कि किस कितनी नेटवर्थ है, कितनी कितनी उसने कहाँ पर पढ़ा, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, कितनी फिल्मों में उसने काम किया, कौन से ड्रामों में काम किया, वो किस चीज़ का आर्टिस्ट है, इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स होने के साथ वो कितने चार्ज कर रहा है। तो इस तरह की डिटेल आप बता सकते हैं, इसके ऊपर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। इसकी नेटवर्क देखें, इसमें थोड़े से आप देखें ग्रीन ग्रीन आपको मिल गए हैं, 9-12 की वह डिफिकल्टी ग्रीन मिल गई है। इसके ऊपर ट्रैफिक भी भर भर के होगी, एफिलिएट लिंक तो इसमें नहीं लगेगा। इसमें टोटली आपका, इसको एक किस्म की नीच बोलते हैं, वेबिनार वाली नीच भी इसको बोल सकते हैं। तो ये नीच आपकी बहुत काम की है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास नेक्स्ट नीच, ऐप बेस्ड नीच। ये कौन सी नीच है कि इसमें आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स के बारे में बताना है, मुख्तलिफ ऐप्स के बारे में बताना है। जैसे कि नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स अब काफी लोगों को पता है, काफी लोगों को यूज नहीं करने आता, काफी लोगों को यूज भी करना आता है, इसका पैकेज परचेज नहीं करना आता, पैकेज परचेज कर लेते हैं फिर उनको अपकमिंग मूवीज को फाइंड नहीं करना आता। तो इसके बारे में मैंने 3 वेबसाइट्स बताई हुई है, जो कि हर सॉफ्टवेयर के ऊपर अलग-अलग बनी हुई है, सॉफ्टवेयर अलहदा और उसकी वेबसाइट के ऊपर अलग-अलग बनी हुई है। मैं आपको ये वाली एक दिखा देता हूँ, इसके ऊपर सर्च करके दिखा देता हूँ, इसकी हम ट्रैफिक भी देख लेते हैं कितनी ट्रैफिक है, और इस वेबसाइट को ओपन भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसकी हम नेटवर्थ भी देख लेते हैं। ऐप बेस्ड नीच में हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ सर्च करेंगे ऐप बेस्ड। इसके ऊपर ये तो जस्ट एक वैसे ही कीवर्ड हो गया, लेकिन ये कीवर्ड इतना बनता नहीं है। ये देखें इस पे उसने क्या किया, काम किया हुआ है, टॉप टेलीग्राम मूवीज चैनल इन 2023। उसके बाद उसने डाउनलोड लिंक्स दिए हैं, मूवी के डाउनलोड लिंक्स ओरिजिनल तरीके से आपको कहाँ से मिलेंगे, आपने कैसे डाउनलोड करना है, ये इसने उस चीज के ऊपर काम किया हुआ है। तो आप इस तरह का काम कर सकते हैं जो कि आपकी रिलेटेड के मुतालिक है। ये उसने थोड़ा सा इंडियन में है, ये यहाँ पर 140 है। अगर यहाँ पर मैं आपको इंडियन करूँ, हम यहाँ पर इंडिया करते हैं, तो फिर हम इसकी ट्रैफिक देखते हैं कितनी ट्रैफिक होगी। ये देखिए अभी इसकी ट्रैफिक कितनी हो गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 27,000 ट्रैफिक हो गई है, बल्कि 2,76,000 इसकी ट्रैफिक हो गई है, क्योंकि ये इंडिया की वेबसाइट है और इंडिया वाले लोग अपनी मूवीज को बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, ठीक है। तो आप इस कीवर्ड को या इस वेबसाइट को देख के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्क होगा। उसके बाद नेक्स्ट नीच आ जाती है हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अब आपको पता है कि लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज तो करते हैं, उन्हें यूज करना आ जाता है, लेकिन वो अपना काम को बहुत ज्यादा लेंथी करते हैं। आपने क्या करना है, उनका काम शॉर्ट करना है। शॉर्ट मीन कैसे, कि आपने उन्हें शॉर्टकट बताने हैं कि अगर आपने ऐसा काम करना है तो ये शॉर्टकट आप यूज करेंगे तो आपका 10 दिन का काम विद इन अ सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरह के आपने पॉइंट्स को यूज करना है और उसके बारे में कंप्लीट आर्टिकल लिखने हैं, तो इसके ऊपर आपका ब्लॉग बहुत अच्छा रन हो सकता है, जो कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूं। एक वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूं, उसकी ट्रैफिक भी हम देख लेंगे। ये वेबसाइट हो गई, इसकी ट्रैफिक देख लेते हैं। इस वेबसाइट को मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं, और अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में इसका कीवर्ड के ऊपर ये देखें, ऐप बेस्ड के ऊपर आप ट्रैफिक देख लेंगे कितनी ट्रैफिक है, ठीक है। मैं आपको पहले नहीं बताया तो अभी देख लें आप यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर, मैं हम ट्रैफिक देख लेते हैं। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं
एक्सप्लोर एक्सेल, इसके ऊपर 372 ट्रैफिक है। अगर हम इसको यूनाइटेड स्टेट में करें तो देख लेते हैं कितना आ जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इसके ऊपर हम देख लेते हैं इसके ऊपर ट्रैफिक कितनी आ जाती है, सिर्फ 2 ट्रैफिक है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इंडिया में ही थोड़ी सी इसकी अच्छी खासी ट्रैफिक होगी, बकाया मुश्किल ही होगी। यहाँ पर एक्सेल के देखिए फार्मूले शीट्स बनी बनाई पड़ी हैं कि आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे इसमें शीट के ऊपर काम करना है, कैसे स्पीड में काम होगा आपका, शॉर्टकट कीज कौन सी है। तो इस तरह का वर्क बहुत ज्यादा जो कि न्यू जनरेशन के लोग हैं जो कि सीखते हैं वो इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर आप देख लें कि ट्रैफिक भी है अच्छी खासी, वॉल्यूम आपका अच्छा खासा वॉल्यूम है, कीवर्ड डिफिकल्टी बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। पैक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्री पैक सॉफ्टवेयर इन चीजों को डाउनलोड करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उनके पास ट्रैफिक बहुत है लेकिन उनको वो चीज ओरिजिनल नहीं मिलती। तो इसके ऊपर आप इजीली काम कर सकते हैं। तो आज की हमारी नीच थी, सबसे पहले हमारी नीच थी ड्रोन के ऊपर, पहली नीच थी हमारी ड्रोन के ऊपर, नेक्स्ट नीच थी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, थर्ड थी सेलिब्रिटी नेटवर्क, ऐप बेस्ड नीच और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। प्रो टिप ये है कि आपको पता है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर काम हो रहा है, कीवर्ड डिफिकल्टी देखें कितनी है, कितनी ज्यादा हाई है, और ट्रैफिक देखें मिलियन में ट्रैफिक है। आपको यहां पर अगर नहीं आता तो यहां पर हम करते हैं इंडिया, यहां पर इंडिया करके दिखाता हूं। यहां पर ये देखें फाइंड कीवर्ड, यहां पर आप सबसे पहले देखें ट्रैफिक, ये देखें ट्रैफिक भर भर के ट्रैफिक है, और कीवर्ड डिफिकल्टी देखें। अभी मैं आपको एक जादू दिखाता हूं, ये देखें जादू, ट्रैफिक चेक करें 1.3 मिलियन ट्रैफिक, शॉपसी कोई चीज भी नहीं है, शॉपिफाई ओरिजिनल एक चीज है और लोग गलत चीजों को बहुत ज्यादा सर्च करते हैं। ट्रैफिक देखें, कीवर्ड देखें और डिफिकल्टी देखें ना होने के बराबर। तो ये एक प्रो टिप है, तो आप लोग इसके ऊपर भी कुछ भी कर सकते हैं। अब जिनके पास अकल होगी, कुछ काम करने का माइंड होगा, तो वह इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।